आपको बताया था कि हम बहुत सा म्यूजिक जो है वो एंजॉय करने वाले हैं, बढ़ते हैं जमीर की तरफ। जमीर क्या सुनाएंगे आप हमें? बिल्कुल ही ना, एक पंजाबी सॉन्ग है जो आपको तो पंजाबी आती नहीं? बिल्कुल नहीं आती पंजाबी, और कोशिश की है वो करने की, और उसके लिरिक्स जो है वो हैदर एक मेरे एक दोस्त से लिरिक्स जो है उसको देखे। क्या सोच के आपने पंजाबी सॉन्ग सोचा कि मैं मुझे गाना चाहिए? आई विल गो फॉर इट। बस मुझे बचपन से था कि मैंने पंजाबी जो है वो कोई गाना करना है। जब से मैंने सिंगिंग की होश संभाली थी तब से मुझे था कि मैंने कोई पंजाबी सॉन्ग करना है, तो फाइनली अब मैंने किया वो गाना। किसको डेडिकेट करेंगे? बिल्कुल, ये मजे की बात ये बताता चलूँ कि फैंस को तो मैं करता रहता हूँ डेडिकेट। मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊँ कि अगर हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं मॉर्निंग शो के सेट पे, अगर हम आज जो कुछ भी हैं एक प्रोड्यूसर की वजह से होते हैं और दूसरा होता है कैमरे की वजह से। जितने कैमरे मैन है वो आपको इतना प्यारा दिखाते हैं, जैसे कि लाइक हम लोगों को, आप लोगों को, तो ये जितने कैमरे मैन है मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा एक गाना काशिफ भाई को, आई थिंक सो, जो मेरे फ्रेंड पे है। जी, और ये हम डेडिकेट करते हैं काशिफ भाई को, अली को और मारूफ को, जो कि हमें इतना जितने कैमरे मैन है बिल्कुल बिल्कुल और सारे कैमरा मैन को। नई जीना तेरे बिन, रातां लंघ दियां यादा दे विच, सोचा विच लंघ दे दिन, तेरे बाजो वे पल नहीं हूं जीना, तू दिल दा करार सोने आ, तेरे बाजो वे पल नहीं हूं जीना, तू दिल दा करार सोने आ, हर वेले सोचा च तेरी बैना, वे कीता तेनू प्यार सोने आ, तेरे बाजो वे पल नहीं हूं जीना, तू दिल दा करार। दिल जाना बड़ी मुश्किल, किव तेनु छावा मैं सजन, हर पल विच दिल जाना बड़ी मुश्किल, किव तेनु छावा मैं सजन, हर सा हर जा जाना थका तेरा रा, खुशियां दे मेले लगन साथ तेरा, रवे हर वेले सजन, हर वेले मैं तेरे मुड़े बैना, तू ही है मेरा यार सोने आ, तेरे बाजो वे पल नहीं हूं जीना, तू दिल दा करार सोने आ, तेरे बाजो। वेरी नाइस जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, और पंजाबी का फर्स्ट सॉन्ग था, लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है बड़ा कोई जिसको बड़ा फ्लुएंसी से पंजाबी आती होगी वो गा रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच।
ये तो बस कोशिश की है करने की और बस अब इसकी वीडियो इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है तो इंशाल्लाह as soon as possible देखते हैं कब तक इसकी वीडियो होती है इंशाल्लाह. I'm very excited कि हम देखें कि वीडियो में क्या काम हुआ है क्योंकि सॉन्ग इतना अच्छा है तो वीडियो भी ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी. और ज़मीर जो है काफ़ी मेहनत करता है अपने हर सॉन्ग पे और उसकी हर वीडियो पे, सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट. और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अपने ज्वेलरी डिज़ाइन की तरफ क्योंकि जो ख़वातीन घर में बैठी हैं वो बहुत क्यूरियस हो रही होंगी कि आज हम क्या देखने वाले हैं, क्या ट्रेंड है, चोकर्स जो है वो किस किस्म के चल रहे हैं, किस किस्म के जो डायमंड चीज़ उसके ऊपर लग रहे हैं या जो जो काम उसके ऊपर हो रहा है. जी जावेद साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएँ और बताएँ. जी सबसे पहले हम आएँगे, इट्स अ वेरी यूनिक सेट. ये काफ़ी अच्छा सेट है, इसको आप शादी पे भी पहन सकते हैं और इसके अलावा अगर आप सिर्फ किसी फंक्शन पे जाने और आपने कोई सिंपल सा कुर्ता पहना हुआ है तो उसके ऊपर ये पहना जा सकता है. जी इसके बारे में बताएं कुछ. इसके सफायर के लगे में और ज़रकोन लगा हुआ साथ. सफायर लगा हुआ है और ज़रकोन लगा हुआ है. जी और इसका कितना ट्रेंड है, कितने लोग इसको लेते हैं, इसको इस कलर को और ये बल्कि ये खास डिजाइन जो है इसको दो लोग हैं क्योंकि इट्स अ वेरी यूनिक और स्टाइलिश डिजाइन है जो आपका टिपिकल ट्रेडिशनल सा डिजाइन होता है. ये उस तरह का डिजाइन नहीं है, ये काफी डिफरेंट है. अगर आप इसको किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, इवन अगर आपने कोई लाइट सा ड्रेस पहना है तो उसके साथ भी ये पहना जा सकता है. अगर आपने एक सिंपल कुर्ता पहना है, यू गोइंग आउट फॉर डिनर और लंच, तो आप ये उसके साथ इयररिंग्स पहने तो ये बहुत अच्छा लगेगा. इसके साथ ही जो हमारा जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी सेट के बारे में कि पहले हम अपनी नानियों को दादियों को सेट देखते थे, बहुत बीट का काम हुआ होता था, एक पतला सा काम होता था सोने का, ये वो सेट है. और ये बताएं ये क्या है और इसको हम किस किस फंक्शन पे पहन सकते हैं. इसको ये आरी का डिजाइन है, आरी का है, ये स्टोन वर्क है इसमें और जरकन लगा हुआ है इस पे भी. और ये देखिए कितना शाइनी है, ये इसकी गोल्ड प्लेटिंग इसमें बहुत जबरदस्त हुई है. अच्छा प्लेटिंग बहुत अच्छी हुई है इसकी, अच्छी हुई. और आप इसके कलर्स भी देखें, इसमें ब्लू और ग्रीन है लेकिन बहुत फ्रेश है, इट्स नॉट नॉर्मल जो होता है, ये बहुत फ्रेश है. और जो व्हाइट है इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है और जो गोल्डन कलर भी है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, डल है और शाइनी है. ये आजकल बहुत इन है जी. और ये हम मेहंदी पे पहन सकते हैं, मेहंदी पे, मेहंदी के लिए बहुत अच्छा है, मेहंदी और बारात पे पहना जा सकता है. इसके साथ ही जो नेक्स्ट सेट है वो ब्राइडल सेट है और उसकी तरफ बढ़ते हैं. जी ये बताएं, ये भी स्टोन वर्क है, इसमें वो कुंदन लगा हुआ है. और ये स्पेसिफिकली जो ये जो सेट है ये हम पहन सकते हैं बारात पे, अगर किसी की शादी हो रही है तो वो बारात के लिए ये जो सेट है वो पहन सकते हैं. जी इस पे कुंदन लगा हुआ है, उस स्टोन वर्क हुआ हुआ है, जड़ाओ काम है इसका. और इसकी डिटेलिंग्स व्यूअर्स बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, स्टोन के गेट काम हुआ है लेकिन वो बहुत ही अच्छा है और नीट है. इसमें इसमें बताया ना कि ये स्टोन लगा हुआ नीचे, ये इसका जो ये है ना स्टोन जो है मैरून कलर का है, इसके गोल्ड के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका. जी हाँ एक मिनट ये आप पकड़े, मैं जरा व्यूअर्स को बताऊँ. आप देखेंगे कि व्यूअर्स इसके साथ बिंदिया है और अगर कोई हैवी जाना चाह रहा है ब्राइडल के सेट के साथ तो इसके साथ ये एक माला भी है जो कि आप इसके साथ पहन सकते हैं और ये इसके नीचे जाएगी और ये काफी एक हैवी जो है इसका जाएगा. और इसके साथ जो है झूमर भी है इसके साथ, अगर आपने किसी की मेहंदी पे जाना है तो आप सिर्फ जो झूमर है वो ब्रेड के साथ लगा सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत नजर आएगा. जी इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक सेट की तरफ जो काफी कलरफुल है और ये माला है और उसके साथ थोड़ा काम हुआ हुआ है. इसके बारे में बताएं कि ये हम किस फंक्शन पे पहन सकते हैं और ये कैसे पहनी जा सकती है. मेहंदी पे पहन ले, निकाह पे पहन ले. अच्छा आजकल हमने एक और देखा है, ये ग्रूम्स ने भी पहना होता है सेट, ज्वेलरी पहनी होती है, उसका क्या ट्रेंड है? इसका काफी ट्रेंड है. जो लड़के पहनते हैं ज्वेलरी वो क्या होते हैं, माला होती है या इस किस्म के सेट होते हैं? अच्छा वो भी इस तरह पहन लेते हैं. अच्छा उसके ऊपर ये स्टोन वर्क भी होता है, सारा कुछ हुआ होता है. अच्छा व्यूअर्स आप देखें, अगर आप ये हाँ ये किसी की मेहंदी पे पहन ले आप और उसके बाद अगर आपने किसी जाना है फंक्शन पे या अगर आपका कोई फॉर्मल डिनर है या कुछ भी है तो आप सिंपल ड्रेस के साथ आउटफिट के साथ भी ये पहन सकते हैं. जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैंने एक बहुत ही सिंपल आउटफिट पहना है और उसके साथ ही चोकर पहनी है जिसकी वजह से ये काफ़ी इनहेंस और अच्छा लग रहा है. कुर्ता भी अच्छा लग रहा है और उसके साथ साथ चोकर भी अच्छा लग रहा है. मैं बताती चलूँ ये भी जावेद साहब का डिज़ाइन है. हाँ थैंक यू सो मच. और इसके साथ अगेन एक और माला है जिसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है जो काफ़ी कलरफुल माला है. जी इसके बारे में बताएं हमें कुछ, इसके ऊपर इतना कलरफुल कौन कौन से काम हुए हैं? इसमें भी स्टोन वर्क की ज़्यादा कुंदन है, ज़रकोन है इसका, ये तकरीबन काफ़ी इसमें लगे हुए हैं. और ये जो ग्रीन कलर का है ना ये भी कुंदन है. अच्छा ये सारे कुंदन के डिफरेंट काइंड है. वैसे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको पहने सिंपल आउटफिट के साथ तो ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत शाइनी है. और अगर आपकी मेहंदी है तो आप उसके ऊपर पहन सकते हैं, इसके अलावा आप नॉर्मल रूटीन में भी इस किस्म के ड्रेसेस जो है पहन सकते हैं. जी हाँ वाइट के साथ बहुत अच्छा लगेगा स्पेसिफिकली. और हम बात कर रहे थे व्यूअर्स चोकर्स की,
कि चोकर्स का क्या आजकल सीन है, तो ये ग्रीन कलर में एक चोकर है और ये बहुत खूबसूरत है, हमारे व्यूअर्स को बताएं इसके बारे में कुछ। ये भी कुंदन का ही है जी, कुंदन वर्क आजकल बहुत चल रहा है, आजकल कुंदन बहुत चल रहा है और गोल्डन ज्यादा चल रहा है। जैसे कि पहले व्यूअर्स हम देखते थे कोई भी सेट होता था उसमें दो तीन कलर होते थे, व्हाइट होता था, गोल्डन होता था, कॉपर होता था, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो गोल्डन और स्टोन चल जाता है, स्टोन मुख्तलिफ कलर के लग जाते हैं जी हाँ। ये बहुत खूबसूरत सेट है, ये वलीमे पे स्पेसिफिकली पहना जा सकता है क्योंकि बराबर वलीमे का कलर है, आपने ग्रे कलर का ड्रेस पहना है तो उसके अंदर भी ग्रीन कलर के जो है वो आप पहन सकते हैं, या कोई भी ऐसा ड्रेस पहना है जो कि। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको एक बात रिकमेंड करती चलूँ, आपने कोई भी ज्वेलरी सेट पहनना है तो आपका जो ब्राइडल ड्रेस है उसका जो गला है वो बोट नेक होना चाहिए या इतना डीप होना चाहिए कि आपकी जो ज्वेलरी है वो प्रोमिनेंट हो सके, ऐसे ना लगे कि आपने कुछ गले में वही सारा मिक्सचर बना हुआ है साथ में ड्रेस का पता नहीं चल रहा, क्योंकि गले के ऊपर काफी काम होता है ब्राइडल ड्रेस के और इसके साथ ही जो सेट होता है उसके ऊपर काफी काम होता है, तो आप ऐसे पहने कि हर चीज जो है वो डिफरेंट जो है नजर आएगी, मिक्सचर कुछ चीज ना लगे। आजकल एक और ट्रेंड देखा गया कि लोग जो अपने ब्राइडल ड्रेस का गला है वो बैंड रखवा लेते हैं। अली अंजुम हमें बताएं कितने लोग प्रेफर करते हैं कि वो बैंड पहन लेते हैं। आम रूटीन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, ये बहुत खूबसूरत इयररिंग्स हैं और ड्रॉप्स इसके नीचे हैं और ग्रीन कलर में ये हैं, आप इनको पहने और जो एल्बर्टी में है अच्छा बाबा प्लाजा में 38G। तो जिस जिसने जो पहनना है वो जरूर जाएं और देखें। और ये देखा है आपने, एक ट्रेडिशनल सा होता है, हमारे व्यूअर्स को बताएं ये क्या है और ये गाना है और इसको कैसे पहनना है आपने। अच्छा अच्छा, ये तो गोल्ड का नहीं होना चाहिए, ये भी आप पहन सकते हैं। और देखें व्यूअर्स, आपको मैं दिखाती हूँ इसकी लुक क्या आएगी, ये इस किस्म की कोई चीज। और ये कितने लोग इसके लिए जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि रवायती तौर पे जो गाना होता है वो खानदानी होता है और वो बस जिसकी शादी हुई उसने पहना और उसको दोबारा रख लिया और वो गोल्ड या फिर चांदी का बनाया जाता है। तो आजकल ये जो आर्टिफिशियल गाना है इसकी कितना ट्रेंड है, इसका काफी ट्रेंड है आजकल, ये काफी लोग पहनते हैं इसको, इस जगह बनता है ये एक है, फिर इसके नीचे भी होता है, फिर एक नीचे और भी होता है। अच्छा, काफी किस्म के लोग ये बनवाते रहते हैं, काफी वैरायटी है, लोग जो है वो बहुत हर एक एक चीज जो है उसको स्पेसिफिकली देखते हैं और पसंद करते हैं। जी आए सीट पे और बात करेंगे हम अली जमीर खावर से। जमीर खावर, क्या न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके आ रहे हैं, क्या सुनने वाले नेक्स्ट? नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी वीडियो जो है वो जिससे मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जो है वो मैं लॉन्च, उस पर एडिटिंग पे काम चल रहा है अभी और जो भी मैंने गाना गाया था तो अब क्या उस पर उसका वीडियो शूट किया बिल्कुल हो रहा है और उसके बाद पंजाबी सॉन्ग जो है उस पर भी काम चल रहा है और उसकी वीडियो पे भी इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान में तो नहीं इंशाल्लाह बाहर ही करूंगा उसकी वीडियो, उसके भी बाहर ही करेंगे वीडियो। अच्छा अमीन साहब, नजम अमीन साहब, आप मुझे ये बताएं कि इतना ट्रेंड देखा जाता है, लोग सोचते हैं कि शायद जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें स्टाफ जो है वो पूरा नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है कि स्टाफ उतना है जितने स्टूडेंट्स हैं? असल में पहले तो था ऐसा कि स्टाफ की कमी जो थी, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है और आए दिन आप देख रहे होंगे अभी पिछले दिनों जो है जैसे 4000 एजुकेटर्स की भर्ती हुई है। ओहो, आपके माइक्स ऑन है, बोलना नहीं है ठीक है जी। आप मुझे नजम अमीन साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि एक सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान में स्कूल ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, लेकिन जो है स्टाफ है वो कम है, इसमें किस हद तक सच्चाई है और क्या स्टाफ पूरा हो चुका है या नियर फ्यूचर में पूरा हो जाएगा कि जितनी तालीमी कमी है उसको कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके? नहीं, इसमें तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि स्टाफ तो बिल्कुल जो है वो मुकम्मल है और आपको पता है कि एजुकेशन का सिस्टम हमारा दुनिया का बेहतरीन सिस्टम कहा जा रहा है, बिल्कुल, तो इस वजह से उसको लोग जो है डिफेम करने के लिए तरह तरह की चीज़ें निकलती हैं। लेकिन एक और चीज़ भी पाई जाती है कि पाकिस्तान में हर वो शख्स जो कि अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है, सिर्फ अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है वो एजुकेटेड काउंट किया जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो और ख्वानदगी की जो शरह है वो ज़्यादा है या कुछ ऐसे? देखिए कि इसकी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो है हमारे लिटरेसी रेट है 59.9 चल रहा है जी, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है और ये विद इन 3-4 ईयर हुआ है ये सारा। अच्छा। इतनी स्पीड से 52 था, 52 से जो है गो अप करता करता अभी 59.9 पे चल रहा है और ये भी रुका नहीं है। अच्छा। जो कि इनहेंस होता जा रहा है और इंशाल्लाह 100 तक जाएगा ये। तो जैसे अभी दुनिया के बेहतरीन जो है वो हाईएस्ट नॉर्वे का चल रहा है जो लिटरेसी रेट 100% है,
तो वो भी जो है एडमायर करते हैं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है जो यहाँ से लोग पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी सहूलियात की कमी है जो कि इंशाल्लाह अनकरीब वो भी टाइम इंशाल्लाह मीट कर रहे हैं। जी हाँ, आप क्या समझते हैं राणा साहब के पाकिस्तान में किसानों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए या क्या क्या वो जो फैसिलिटीज हैं जो कि नहीं दी जा रही मेन चीज हुकूमत की तरफ से? मेन चीज तो ये हुकूमत को चाहिए कि वो खुद जाती इंटरेस्ट लेके जो जिन्स इसका मौसम हो ना उसको खरीदना चाहिए। अच्छा, जिस तरह गन्ने का सीजन होता है, गन्ना जो है वो हुकूमत इंटरेस्ट लेती है लेकिन वो सड़कों पे ट्रालियाँ खड़ी होती हैं, रश होता है, लेकिन कैशिंग सीजन में वो इतनी कोई देखभाल नहीं कर रही होगी। आगे गंदम आ रही है, लोगों के पास गंदम काफ़ी मकदार में होगी, लेकिन हुकूमत एक टारगेट मुकर्रर कर देगी, हमने 2000 मन खरीदनी है, 4000 मन खरीदनी है एक सेंटर पे, उसके अलावा नहीं खरीदनी। अच्छा, बाकी किधर जाएगी? हुकूमत को चाहिए कि वो किसी अच्छी प्राइस पे परचेज करें ताकि परचेज करे और उसके अलावा उसकी लिमिट ना रखे, जिसके पास जितनी है वो दे दे जाके मार्केट में। जी, गंदम के सेंटर बने हुए हैं उस पर जाके दे सके अपने गंदम को। अगर वहाँ 100 मन या 200 मन या 1000 मन का टारगेट होगा वो तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद किसान कहाँ जाएगा? उसके बाद किसान कहाँ जाएगा जो उसके पास ज़खीरा है वो वही है ना, अगर 1300 गंदम का रेट है, गोदाम नहीं होते हैं, वो उनको सेव नहीं रखते, अगर 1300 गंदम का रेट है वो तो मजबूर होगा 1000 रुपए बेचने पे। बिल्कुल, क्योंकि उसने सेल करनी है, उसने खर्चा किया हुआ है, साल पूरा उसने इंतजार किया है, उसको भी पैसे चाहिए, लेकिन हुकूमत जो 1000 मन खरीद के खत्म कर देगी सेंटर को बस। बिल्कुल, ये चाहिए तो कि हुकूमत को जो है वो देखना चाहिए किसान की मजबूरियों को और ये सारी चीजें देखनी चाहिए। जी आसमा जी, हमारा खाना जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है तकरीबन खत्म होने वाला है। आज बातें इतनी अच्छी थी कि समझ ही नहीं आया टाइम कहाँ गया। खाना हमारा तैयार हो चुका है और इसकी रुमा तो फैल चुकी है। अच्छा आसमा जी, के सबसे मजे की बात यह है कि बड़ा कलरफुल खाना होता है, साथ में प्रॉपर सैलेड, सैलेड का पत्ता, गाजरें और हर चीज कटी होती है। हाँ, क्योंकि मैं एक खुद जिम्मेदार हूँ और मुझे पता है कि इन चीज़ों में क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नहीं फायदे, और मैं भी एक हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग इतना पैसा लगाते हैं, अगर फसलें नहीं होती तो यानी कि आगे मुजारे ज़मीनें नहीं लेते, जब हमारी फसलें होती हैं, इतने स्प्रे होते हैं, इतनी खादें, पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऊपर से बिजली नहीं होती, हमें इतना पैसा लगाना पड़ता है, और जब गंदम की मौसम होती है, जब कोई गन्ने की फसल होती है, कोई भी फसल होती है, तब जाके रेट टूट जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ ज़िम्मेदारों पर रहम कीजिए, अपने रेट जो हैं वो उनके उतने होने चाहिए या फिर आप अपनी चीज़ों में कमी कीजिए। आप जब कमी करेंगे तो जिम्मेदार खुशहाल हो सकेंगे। आप बताएं खाना जो है वो रेडी है, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को एक फाइनल लुक दें और इसके बाद हम खाना जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार है और बस प्लेट में निकालना है और फिर खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जी हाँ, आपने सीखा आज के टोमेटो चिकन कैसे बनाते हैं और उसकी फाइनल लुक क्या है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है तकरीबन खत्म हो जा रहा है। मैं चाहूंगी जमीर, अगर आप कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, बस खुश रहें जहाँ पे भी रहें, किसी का दिल ना तोड़ें और अपने माँ बाप की इज्जत करें, और ये एंड पे कहना चाहूँगा कीप सपोर्टिंग अस। जमीर कावर के नाम से फेसबुक आईडी है और फैन पेज हमारा ज्वाइन कीजिएगा दिशाज बैंड के नाम से, एंड लव यू ऑल। जी जी रजत सर, मेरा एक मैसेज है कि पॉजिटिव जो है हमेशा सोचें और हमेशा लोगों की मदद करना सीखें, इनिशिएटिव लें लोगों की मदद के लिए, इसी में भलाई है ज़िंदगी, यही है। बिल्कुल जी राणा साहब, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि हुकूमत जो है वो किसान के जो जिन्स लेके आता है मार्केट में उसको वो संभालने का इंतजाम करें, बस उसको संभालने का इंतजाम करें। किसान की तरफ से जो हमारी आवाज़ है उनके आवाम तक और हुकूमत तक पहुंच गई होगी। जी जी हाँ, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो खत्म हुआ जा रहा है। आपने सीखा कि कैसे आपने ड्रेसेस बनवाने हैं और कम कीमत जोड़े जो है वो अच्छे बनाने हैं। इसके साथ आपने सीखा कि आजकल क्या इन है ज्वेलरी में और क्या है आउट, और आपने सुने बहुत से अच्छे सॉन्ग, और आपने सीखा एजुकेशन सिस्टम में किस तरह आपने एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा के चीटिंग करनी है बल्कि बिल्कुल नहीं करनी, और हमने जानी किसान की जो है राय और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो खत्म हुआ जा रहा है, लेकिन जाने से पहले हम इंजॉय करेंगे जमीर खावर का एक खूबसूरत सा सॉन्ग। पहले उनसे पूछते हैं क्या सुनाएंगे आप? बिल्कुल एंड पे हम लोग धमाल करेंगे, आप लोग सब साथ मेरे साथ जो है वो। जी हाँ, जमीर जो है एक धमाल पेश करेंगे और हम सब उनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से अल्लाह। dum dum mali ali dum dum mali ali dum dum mali ali dum 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 mali ali dum dum mali ali dum